वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और मैं आपके साथ जो अभी डिस्कस कर रहा था, पिछले अभी मैंने वीडियो में रिजल्ट दिखाए थे आपको, और उसमें बताया था काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है हमारे कोर्सेज से रिलेटेड। तो हम इस दो जगह पे जाके कर सकते हैं, एमयू कंट्रोलर्स exam.com ऑफिशियल वेबसाइट है एमयू कंट्रोलर की। इस पर आप जाएंगे तो यहाँ देखिए नोटिस एंड अपडेट में भी सबसे ऊपर दिख रहा है काउंसलिंग का एडमिशन शेड्यूल फॉर वेरियस कोर्सेस 2022-23। और यहाँ पर एडमिशन में आप जाएंगे तो ये पोर्टल है जहाँ पर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है जाके, और ये शेड्यूल है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे शेड्यूल पर, तो ये देखिए शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग एंड फर्म एडमिशन लिस्ट। और हम अपने फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में जाएंगे तो देखिए MBA, MBA IB, MBA IBF, MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इसके आगे सब शो हो रहा है शेड्यूल, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये PDF आ जाएगी। देखो अब हमें इसको जरा ध्यान से समझना है, काउंसलिंग शेड्यूल 2022-23 फॉर, ये देखिए सारे कोर्सेज हैं जिसका सेम शेड्यूल है। तो हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है, हमारे मतलब क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट है वो सारे MBA और उससे रिलेटेड कोर्सेज में रहते हैं, तो देखिए MSW एक कोर्स इसमें ये दिख रहा है, MSW, देन MBA, MBA IB, MBA IBF, MIRM, MHRM, MBA FM, MTTM, BRIM, PGDBF, MBA एग्री बिजनेस, MBA हॉस्पिटल। तो यानी सारे जो हमारे मास्टर्स इन बिजनेस से रिलेटेड जो कोर्स हैं तो वो सबका शेड्यूल क्या है, सेम है। यानी हर कोर्सेस का सेम शेड्यूल है। तो आपको देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, बहुत ही ध्यान से समझना है इसको कि क्या क्या करना होगा आपको। तो देखिए स्टार्ट होगा ये 14 सितंबर से और एंड होगा 16। इन दिनों में आपको क्या करना है, सब ऑनलाइन प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, डॉक्यूमेंट अपलोड, चॉइस फिलिंग वेयर एवर रिक्वायर्ड इन सबमिशन बाय द कैंडिडेट। तो रजिस्ट्रेशन करना है, लॉग इन करना है, यानी 14 तारीख से शुरू होगा परसों से, यानी लॉग इन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने, चॉइस फिलिंग करनी है और सबमिशन करना है। देखिए लास्ट में सबमिशन जरूरी है, अगर आप सबमिशन नहीं करेंगे तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इन्हीं डेट्स में करना है, अगर आपने डेट मिस कर दी तो फिर आपको चांस नहीं मिलेगा। देन 17 से 20 सितंबर में क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, और 21 को रीसबमिशन। अगर किसी स्टूडेंट के आगे आता है कि उसे रीसबमिट करना है, कोई डॉक्यूमेंट उसका एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो वो रीसबमिट कर सकता है। और 22 को उसने जो रीसबमिट किया उसका वेरिफिकेशन होगा, और 23 से 25 में प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फर्म लिस्ट, यानी जो कंफर्म हो जाएंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, एलिजिबिलिटी अप्रूव हो जाएगी, उसकी लिस्ट आ जाएगी 23 से 25 सितंबर में। और 26 से 28 में उनको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा एडमिशन और फीस जमा करनी होगी। और 29 को ग्रेस पीरियड दिया है कि किसी वजह से फीस जमा नहीं कर पाए तो एक दिन एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, बट विथ फाइन होगा ये। सो दिस इज राउंड 1, तो पहला राउंड ये होगा। अगर उसमें कोई सीट वेकेंट रह जाती है तो राउंड 2 शुरू होगा, जो कि 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को उनको रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, डॉक्यूमेंट अपलोड, यानी देखिए फिर से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने, फिर से चॉइस फिलिंग करनी, पूरा प्रोसेस फिर से हो गया, ध्यान रखना। ये नहीं कि आपने सोचा कि एक राउंड में कर दिया तो 2nd राउंड ऑटोमेटिकली आप हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड करने होंगे, देन 4 से 6 वेरिफिकेशन, 7 को रीसबमिशन वेरिफिकेशन, और 9 से 10 को फर्म लिस्ट 2 आएगी 9 और 10 अक्टूबर को। 11-12 में उन्हें एक्सेप्ट करके फीस जमा करनी होगी, 13 ग्रेस पीरियड है। अगर राउंड 2 के बाद भी कोई सीट बचती है तो राउंड 3 शुरू होगा, जो कि 15 और 16 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड, 18-19 को उसका वेरिफिकेशन, 20 को रीसबमिशन वेरिफिकेशन, 22-23 अक्टूबर को थर्ड लिस्ट आ जाएगी, और उन्हें 26 तक करना होगा। तो ये 3 राउंड का अभी शेड्यूल है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग आपको मिस नहीं करनी है, बहुत ही ध्यान से करना है सारे काम। इन केस ऑफ नॉन सबमिशन द कैंडिडेट विल फोरफीट हिज और हर क्लेम फॉर एडमिशन, यानी उसका एडमिशन नहीं माना जाएगा, इसलिए इन डेट्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। कैंडिडेट्स हु बीन रिजेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन में रीसबमिट डियर करेक्ट डॉक्यूमेंट, अगर किसी वजह से नहीं रीड करा जा रहा है, रॉन्ग है, इनकम्प्लीट है, तो जो टाइम दिया उसमें फिर से रीसबमिट कर सकते हैं। और कैंडिडेट एडमिटेड इन एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग आफ्टर द पेमेंट ऑफ रिक्विजिट फीस शैल बी ऑटोमेटिकली अपग्रेडेड टू दियर सबमिटेड प्रिफर्ड चोर्स वेयर एवर कोर्स स्कूल सेंटर, दे नॉट नीड टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड। तो जिसने मान लिया राउंड 1 में कोई सीट लेके भर दिया और उसको प्रिफरेंस उससे ऊपर की कोई सीट थी, तो अगर वो वेकेंट होती है तो ऑटोमेटिकली उसका अपलोड हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। तो ये देखिए एएमयू एमबीए का शेड्यूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस शेड्यूल को मैं अभी अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी अपलोड कर दूंगा, तो आप ध्यान से समझिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पे भी आप पता कर सकते हैं। तो ये फिर से एक बार समझिए, जो हमारे मेन काम के कोर्स है सबका शेड्यूल यही है, MSW,
MBA, MBA, IB, MBA, IBF, MIRM, MHRM, MBA, FM, MTTM, BRIM, PGDBF, MBA, Agri Business और MBA, Hospital Management। तो सेम शेड्यूल चलेगा इन सब कोर्सेज के लिए। तो कोई और क्वेरी या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सलमान सर क्लासेस।